प्रदेश के शहरों में रहने वाले लोगों की जान माल की सुरक्षा का बड़ा जिम्मा पुलिस के हाथ होता है। खासकर महिला अपराध पर पुलिस की जिम्मेदारी उस वक्त और बढ़ जाती है जब कोई पीड़ित महिला पुलिस के आगे मदद की गुहार लगाने पुलिस थाने पहुंचती है, लेकिन उस पीड़ित महिला के थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे वहां पीड़ित महिला बड़े पुलिस अधिकारियों के यहां जाने पर मजबूर हो जाती है और वहां भी उस पीड़ित महिला की सुनवाई नहीं होती है। वहां आत्मगिलानी वश आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है संस्कार थाने जबलपुर में, जहां पर पीड़ित महिलाएं जिले के साथ दूसरे जिले से आकर पुलिस के सामने मदद की गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी उन महिलाओं की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित महिलाओं की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं एसपी ऑफिस आई हुई हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे पति के साथ, मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। मेरे गृह सिंह परिहार ने, उप अमित परिहार ने, आयुष ठाकुर ने, सुशीला हिरवाल ने, सब लोगों ने मेरी बेटी के साथ गलत करा, मेरे पति के साथ गलत करा। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इनने मेरी बेटी के साथ जाति करने की कोशिश करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैं एसपी ऑफिस आई हूँ। मामला ये था, मेरे हस्बैंड की सिक्योरिटी, छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी थी, उसकी कृष्णा एक मैडम है प्रिंसिपल, उसके साथ पार्टनरशिप थी। उसको हमने बहुत सारा पैसा दे चुके थे, हर महीने देते थे पैसा ब्याज पे, लेकिन उसने की लालच बढ़ती गई। उसने बोला कि अब हमें ब्याज और चाहिए। जो भी प्रॉफिट होता था हर महीने, कभी 50,000, कभी 1,00,000, कभी 20,000, हम लोग कैश देते रहे, लेकिन उसकी लालच बढ़ती रही। वो बोली कि 10% ब्याज चाहिए, मैं 10% ब्याज पे भी उसको पैसा दिया, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई और वो मरी परिहार के पास चली गई, मृगेंद्र सिंह परिहार के पास। उसने मेरे पति को बहुत टॉर्चर करा, मृगेंद्र सिंह परिहार ने, उपा अमित परिहार ने, सुशील अहिरवाल ने, आयुष ठाकुर ने और विनोद पाठक जी जो धनवंतरी चौकी के अधिकारी, उन्होंने मेरे घर के सामने अलाउंस करा मेरे पति का। मेरी बहुत बेइज्जती करी, मुझसे बहुत गाली गलौज करी, मारपीट करने की कोशिश करी। मनीष पटेल नाम का लड़का है, वो उसने मुझे झूठ बोलकर शादी किया, मेरे से धोखा दिया है, मुझे मारता पीटता है। मुझे जब पता चला कि वो शादीशुदा है तो मैं उससे अलग होना चाही, लेकिन मेरे को अलग होने नहीं दे रहा है, मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। किसी तरह बच बचा के मैं अपने मम्मी पापा के पास गई तो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरे मम्मी पापा को मारने की जान से धमकी दे रहा है, मेरे घर वाले। उस लड़के का नाम मनीष पटेल है, मेरी वो प्रोफेसर कॉलोनी में रहता है, वो रहने वाला लेकिन मैहर का है। लेकिन मेरी बस यही मांग है कि मुझे इंसाफ दिया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम थाने गए थे, लेकिन थाने में हम 15 दिन से, हम सिंगरौली से आके 15 दिन से परेशान है, 15 दिन से हमें माड़ोताल घुमाया जा रहा है, 15 दिन से हमें महिला थाने घुमाया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब बस हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ बस घुमाया जाता है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैडम से हम FIR करने के लिए 15 दिन से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी FIR नहीं हुई है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आजकल आए दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, महिला वर्ग की बहुत समस्याएं हैं। थाने में सच में उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप देखते होंगे आए दिन SP ऑफिस में लोग आवेदन लेकर जाते हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और कहने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए हम एक से एक कानून बना रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हर महिला परेशान है, वो अकेली भटक रही है, कहीं SP ऑफिस के चक्कर काट रही है, पुलिस थाने जा रही है तो पुलिस वाले कहीं उससे प्रूफ मांग रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि घरेलू मामला है, पति मार रहा है तो ये कहते हैं कि पति को या अधिकार है पत्नी को मार सकता है। मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की। तो ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए थाने में कि अगर कोई महिला शिकायत लेके आ रही है, आप शांति से उसकी शिकायत सुने, क्या समस्या है, उसे यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, कहीं उसे CM हेल्पलाइन करनी पड़ रही है, कहीं यहाँ वहाँ, मतलब वो बहुत परेशान है, उनके साथ उनके बच्चे हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं भी पढ़ी लिखी हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं थानों में होनी चाहिए। हमारे शहर में महिलाओं के लिए महिला थाना बना हुआ है, लेकिन महिलाएं वहाँ भी चक्कर काटती हैं और महिलाओं को वहाँ से कोई राहत नहीं मिलती, सिर्फ कहने के लिए वो महिला थाना है, कोई सुनवाई नहीं होती है वहाँ पर भी, महीनों चक्कर काटती हैं। यही रीज़न होते हैं कि महिलाएं फांसी लगा लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं। और ये कहने की बात नहीं, हर रोज़ ऐसे केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। जी जी, अभी कुछ दिन पहले SP ऑफिस में एक महिला आ गई थी, वो 1.5-2 साल से यहाँ वहाँ भटक रही थी थानों में, उनकी सुनवाई नहीं हुई, मजबूरी में फिर उन्हें अपने ऊपर मिट्टी तेल डालना पड़ा। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
पति रोगेश तिवारी, मेरे जेठ राकेश तिवारी, मेरी सास फूल तिवारी और मेरी नंद नीलम पांडे, ये मुझे आए दिन परेशान करती रहती है कि तुम यहाँ घर पे नहीं रहो, दहेज लेके आओ। मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके दहेज 15 लाख रुपए तक दे दिया, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और घर से मुझे भगा देते हैं, मारपीट करके ना मुझे रख रहे हैं। 1.5 साल हो गया उन्हें कुछ, मैं मायके में डली हुई, परेशान हूँ, यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, इस थाने से इस थाने, यहाँ वहाँ, और मेरे पास अब कोई चारा नहीं है मरने के अलावा। संजीवी नगर थाना में की थी, महिला थाने में की थी। सर इन पे कोई कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये पूरे कानून को तार बदलाव कर रहे हैं। दो दो शादी करके दो बीवियां रख के और एक को भगाना एक को रखना, क्या महिला एक उपयोग की वस्तु है क्या कि उसको उपयोग किया और उसको छोड़ दिया और उसके बच्चों को। मेरा मेरे पति से विवाद चल रहा था कुछ सालों से, मतलब जब से मेरी शादी हुई 10 साल हो गए हैं। आए दिन मेरे साथ मारपीट की जाती थी, मेरी नंदे प्रतिभा लाड़िया वंदना लाड़िया मेरी सास और मेरे पति आए दिन मेरे साथ मारपीट करते थे। कुछ सालों से मैं हर बार थाने जाती थी लेकिन मेरी कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी, ये बोल के कि पारिवारिक मामला है आप आपस में सुलझाइए। कई दिनों से सहते सहते जब मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई, अभी 3 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, तो जो भी मैं मेरी सैलरी इनकम होती थी वो मैं मेरे पति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती थी। 3 महीने से मैंने उनको कोई भी तनख्वाह नहीं दी, इस कारण से मेरी बहुत ज़्यादा घर में विवाद चल रहा था, लड़ाई हो रही थी और मुझे रोका जा रहा था कि तुम नौकरी करने नहीं जाओगी, मुझे परेशान किया जा रहा था, आए दिन मेरे साथ मारपीट की जा रही थी। मेरे पति आए दिन शराब पी के मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरा सामान घर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था कि निकल जा, तुझे जहाँ जाना है तो जा सकती है, बुरे तरीके से मुझे बेइज्जत किया जा रहा था। मैं कुछ 2 महीने से अलग मकान किराए से लेकर रह रही हूँ गंगानगर में, वहाँ पे भी आके मेरे पति ने हंगामा किया और वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से यही कहा कि ये बहुत गंदी औरत है, इस औरत को कहीं भी मकान किराए पे नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये सब को बर्बाद कर देगी, बहुत गंदी औरत है, इस तरीके से मुझे बदनाम किया गया। उसके बाद जब मैं रेडियोग्राफर के पद पे कैंट हॉस्पिटल सदर में जॉब करती हूँ, ये मेरी ड्यूटी टाइम पे हॉस्पिटल पर आए और मुझे बाहर बुलाकर मेरे पति रविंद्र लाड़िया, ननंद वंदना लाड़िया जो सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षिका हैं, और प्रतिभा लाड़िया, मयंक अहिरवार, वंदना लाड़िया का बेटा मयंक अहिरवार और आदित्य अहिरवार वहाँ पर आए और इन्होंने मुझे बाहर बुलाकर मेरे साथ, मयंक अहिरवार ने बदतमीजी करना स्टार्ट किया, मेरा फ़ोन पटक कर तोड़ा, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, अपशब्द किए, मेरे साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करी। और जब मैंने उससे बचने की कोशिश करी तब मेरे पति रविंद्र लाड़िया, वंदना लाड़िया, प्रतिभा लाड़िया और मयंक अहिरवार ने मेरे साथ मारपीट करी हॉस्पिटल में सभी के सामने, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने हुआ लेकिन मुझे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दी जा रही है। मैं कैंट, पहले मुझे पता नहीं था तो मैं गोरा बाजार थाने में गई, उसके पहले ये कैंट थाने में पहुँच के मेरी नंद ने मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाई कि मेरी भाभी ने मेरे साथ मारपीट करी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चारों ने मेरे साथ मारपीट करी हॉस्पिटल में आकर, और वहाँ से मेरी गाड़ी ले गए, मेरे कैबिन से चाबी निकाल के जो कि मेरे पति की ही थी, और मेरा फ़ोन और सिम कार्ड ले गए और मेरे दोनों बच्चों को लेके गए हैं। मेरे दोनों बच्चों को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ना मुझसे बात होने दी जा रही है, और रास्ते में यदि मैं कहीं भी जा रही हूँ तो वहाँ मुझे रास्ते में रोक के मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है मयंक अहिरवार, और ऊट पटांग शब्द गाली गलौज करके मारने की कोशिश की जा रही है। मैं बस यही चाहती हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया जाए।